बात करते हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता ऋषभ सिंह से। ऋषभ जी, आप आम आदमी पार्टी के सदस्य भी हैं, आप किस पद पे इस वक्त वर्क कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? जी, मेरा नाम ऋषभ सिंह, मैं ग्राम रेवसा से राजा का निवासी हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का जो युवा मोर्चा है उस पर जिला उपाध्यक्ष के पद पर मैं कार्यरत हूँ। आप राजनीति में क्यों आए? अगर एक शब्द में उत्तर देना होगा तो मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में जो बेरोजगारी की स्थिति है युवाओं के लिए, उस बेरोजगारी से परेशान होकर और युवाओं की दुर्दशा देखते हुए और अपने खुद किसी भी तरह का रोजगार न हो। जैसा कि आपने देखा, ऋषभ सिंह ने बताया कि इनका राजनीति में आने का मकसद, अगर देखा जाए तो ऋषभ जी भी इस वक्त युवा हैं और युवा सोच के साथ आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जानना चाहते हैं कि हाल ही में स्टार्ट होने वाला ग्राम पंचायत चुनाव, देखा जाए अगर तो गांव की स्थिति क्या है, उस पर हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो आज अगर देखा जाए अगले 5 साल में और अब 5 साल में क्या है गांव की स्थिति? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अगर गांवों की हालत देखेंगे तो पंचायती विभाग के अंदर जो सड़क, नहरों की साफ सफाई, नहरों का रखरखाव, नाले, इन किसी भी चीज़ों में जो है बदलाव नहीं दिख रहा है। तो तथा हमारी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर आगामी पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती के साथ जो है अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है और हम चुनाव में लड़ने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि गांव का कोई विकास नहीं हुआ, जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं गांव में, हर गांव गांव में शौचालय का निर्माण कराया इनके सरकार के द्वारा और हर गरीब को आवास भी मिला है, इस पर क्या कहना? तो जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये सब हवा हवाई बातें होती हैं। देखिए, अगर आप अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो बहुत सारे ऐसे शौचालय हैं जो पहले से बन चुके थे, उस पर मोदी जी का जो है फोटो लगा दिया गया। बहुत से ऐसे शौचालय जो बने ही नहीं, उनकी फोटो खींच के दिल्ली भेज दी गई। कई पत्र आप देखेंगे, कई प्रधान जो थे वो इस चीज़ में, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई। बहुत सारे ऐसे प्रधान थे जिनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई। तो शौचालय का ये हाल है। तो ये कुछ गाँवों को कहते हैं, आपने अपने क्षेत्र में देखा होगा कि स्वच्छ भारत के तहत कुछ गाँवों को इन्होंने पुरस्कृत किया, यह कह कि ये हमारे जो गाँव हैं ये स्वच्छता में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निर्वन क्षेत्र के किसी भी आप गांव में चले जाइए और वहाँ की रोडों पे गंदगी आप देख के समझ जाएंगे अपने आप की शौचालयों की स्थिति जो है गांव में क्या है। आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें पंचायत के लिए क्या, किस मुद्दे पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो मेन मोटो है, वो कहते हैं कि हम स्वच्छता को लेकर आगे चले हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस झूठ का पर्दाफाश करना है कि स्वच्छता जैसी चीज़ जो है गाँव में कोई है नहीं। आपने जो शौचालय बनाए हैं वास्तविक रूप में वो बस पेपर पे बने हैं, धरातल पे कोई शौचालय आपके कार्य नहीं कर रहे हैं। आज भी जो है शौच के लिए महिलाएं जो है रोड पे जाने के लिए मजबूर हैं। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, गांवों के जो भी प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें जिस तरह की शिक्षा दीक्षा चल रही है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति क्या है, तो ये 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेके जो है, जिसमें हमारी पार्टी ने बड़ा अच्छा दिल्ली में कार्य किया है। एक शिक्षा, फिर स्वास्थ्य केंद्रों की भी आप हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्रों की भी हालत बड़ी बदहाल है। तो ये 2-3 शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सबसे मुख्य मुद्दा है, हालांकि पंचायत चुनाव का मुद्दा नहीं होगा, या आगामी विधानसभा चुनाव का मुद्दा होगा, लेकिन जो है रोजगार को भी लेके, क्योंकि हम लोग देखिए अब अपनी पैठ जमीन जो है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में बना रहे हैं। और क्योंकि जो भी जनता अरविंद केजरीवाल के कार्यों को जानती है वो टकटकी भरी निगाहों से अरविंद केजरीवाल को देख रही है और हम उसकी तरफ आगे बढ़ने का। जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि इस बार सारी पार्टियां सिंबल से लड़ाएंगी, ऐसे में आपकी पार्टी क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, हमारी भी पूरी तैयारी, चंदौली जिला में जितने भी आपके जिला पंचायत के सेक्टर हैं उनके सारे सेक्टर्स में हमारी तैयारी, और हमने हर कैंडिडेट चुन के रखा हुआ है, चाहे वो पिछड़ी का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे अगर सवर्ण जनजाति का भी होता है, अगर सामान्य रहता है, अनरिजर्व रहता है, तो हर तरीके से हमने अपनी तैयारी पूरी तरीके से मजबूत कर ली है और पार्टी के कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव से पहले हर नेता वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादा को भूल जाते हैं, ऐसे में आप की क्या तैयारी रहेगी और क्या आप करेंगे उसके लिए? देखिए, ये सब बातें उनके लिए जो नई पार्टी बनाते हैं, कभी कार्य नहीं किए रहते हैं। हमने तो दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में हमने स्वास्थ्य दिया है इतना बेहतर, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, जिसको देखिए भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार, बिहार की NDA की सरकार, ये सब फॉलो कर रहे हैं हमको। ये लोग हमारी नीति पर चल रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा की बात की जाए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के अंडर में जिस प्रकार से दिल्ली के सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हुआ, वो किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा होगा कि जब ट्रंप की पत्नी आई थी तो मोदी जी के पिता ना चाहने के बावजूद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उन्होंने भ्रमण किया, देखा, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई कि क्या कार्य है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य,
ये सारे कार्य हमने साबित किए हैं, हमने इतनी अच्छी सड़कें बनाई हैं दिल्ली के अंदर, तो ये कार्य हमने करके साबित किया और लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, जो राजनीति में आएंगे तो गुंडागर्दी यहाँ से दूर जाएगी, माफियागर्दी दूर जाएगी, बाहुबली जो भी हैं वो सारी राजनीति से भागेंगे और शिक्षित लोग राजनीति में आएंगे और विकास की राजनीति होगी, भ्रष्टाचार मिटेगा। तो ये हम दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। आपको बता दें कि अभी जब से योगी सरकार आई है शिक्षा को लेकर स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही सजग रही है और इस पर कार्य भी किया है। ऐसे में दिल्ली को अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश को देखा जाए, तो इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश दिल्ली के कई गुना बड़ी है, इसमें कैसे वर्क कर पाएगी आम आदमी पार्टी? मैं मानता हूँ तो अगर उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो इसका बजट भी बड़ा है। आप देखिए कि अगर दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ रुपए था तो उसको 64,000 करोड़ रुपए बनाने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल जी थे। यहाँ का आज की डेट में अगर 2-3 लाख करोड़ का बजट है, 2-3 लाख करोड़ रुपए का बजट है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए, नीयत चाहिए कार्य करने की। आप देखिए उत्सव जी, आप कहते हैं कि शिक्षा में आप दिल्ली से तुलना करते हैं, आप बताइए, आप अपने जिले में बताइए कि जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं बस भोजन के लिए वो सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं। कोई पढ़ाने वाला पिता और माता जो है किसी भी तरीके से अपने बच्चे को जो है सरकारी विद्यालयों में भेजना नहीं चाहता। आखिरकार आपने ऐसी दुर्दशा क्यों बनाई है सरकारी विद्यालय? क्या उसको सुधार नहीं किया जा सकता? आपके शिक्षक का पेपर है बिल्कुल क्लीन, शिक्षकों को आप छाट के लाते हैं, तो फिर आखिरकार वहाँ पढ़ाई की ऐसी दुर्व्यवस्था क्यों है? ठीक है, आपकी बातों से जनता सहमत भी हो जाएगी, लेकिन उनको कैसे आप सहमत कर पाएंगे? दिल्ली तो एक बड़ी शहर है, वहाँ सारी साजो व्यवस्था और रहने की व्यवस्था है। वहाँ अगर देखा जाए तो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा लगभग 20% ही ऐसी वहाँ की पॉपुलेशन है जो कि गरीब तबके से है, लेकिन अन्य प्रदेशों में अगर देखा जाए तो लगभग 40-45% ऐसे वर्ग के लोग हैं जो काफ़ी दबे कुचले और काफ़ी नीचे के। ऐसे में उन्हें आप कैसे मोटिवेट कर पाएंगे और उनको कैसे व्यवस्था दे पाएंगे यहाँ यूपी में अगर आपकी सरकार बनती है? देखिए, आप जहाँ कहा गरीबी तक की बात, देखिए आपने कहा कि 40% यहाँ गरीबी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली में 80% लोगों के बिजली का बिल जो है शून्य आता है। क्या गरीबों के लिए कार्य नहीं? तो क्या गरीब उस बात को लेकर सहमत नहीं है कल के डेट में अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल के तत्वाधान में अगर यहाँ की सरकार चलेगी तो बिजली का बिल हमारा भी जो रहेगा वो जीरो रहेगा। पानी का बिल 80% लोगों का माफ है। ये सारी उपलब्धियाँ जो हमने हासिल की है गरीबों के लिए हासिल की है। देखिए, नीति होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि आप जिसके पास है उससे लीजिए और जिसको नहीं है उसको दीजिए, लेकिन यहाँ नीति नहीं है। जिसके पास नहीं है उससे तो लिया जा रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको देने की बजाय अपनी जेबें भरी जा रही हैं। आप इनके नेताओं को देखिए, 10-10 गाड़ियाँ इनके नेता लेके घूमते हैं, 10-10 राइफलधारी लेके घूमते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाएगा कि किसी गरीब के घर कोई कार्य करा दिया जाए तो वो नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आवास के नाम पे इनके नेता घूस खा रहे हैं, शौचालय के नाम पे इनके नेता पैसा गबन कर जा रहे हैं। ये तो है धरातल की सच्चाइयाँ। पेपर पे सब कार्य होते हैं, लेकिन वास्तविक में चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी तरह के विकास कार्य हो, उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है सरकार। ये तो बात रही पंचायत चुनाव को लेकर दिल्ली तक की सरकार की। आइए बात करते हैं कृषि बिल के बारे में। कृषि बिल के बारे में आपका क्या कहना? आज देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पे लगभग 2 महीने से अधिक हो गया खड़े हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो सबसे बड़ी हंसी की बात ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी उनको किसान तो मान ले, कभी उनको उग्रवादी कहा जाता है, कभी उनको खालिस्तानी कहा जाता है, झूठे मीडिया चैनलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि तिरंगा को हटा के उन्होंने खालिस्तानी झंडा फहराया, और अपने ही बुर्गों को भेज के भारतीय जनता पार्टी वहाँ उपद्रव करा के जो है आंदोलन को किसी तरह के बदनाम करने की कोशिश करती है। ये बात तो रही उनकी प्रयास की। रही बात किसान बिल की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो साहूकार आपके प्रति पूरी तरीके से लायल हैं, आपको प्रतिदिन हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं, आप उनको बिचौलिया करते हैं? क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? आप उनको बिचौलिया करके कहते हैं कि हम बिचौलियों को दूर भगाएंगे? वो तो आपके सबसे बड़े लायल वोटर्स थे। रही बात किसानों की, किसान आपसे क्या मांग रहे थे? आप लाइए। देखिए, किसी भी चीज़ में विकास जरूरी होता है, चाहे वो खेती हो, अच्छी चीज़ें विकास लाइए, प्राइवेटाइजेशन लाइए, लेकिन क्या आप सरकार होने के नाते एक लाइन में नहीं कर सकते थे कि MSP से नीचे खरीद फरोख्त पे जो है ये सरकारी जुर्म होगा और इसके लिए जो है ये दंडनीय अपराध होगा? ये आप कह सकते थे, लेकिन आप नहीं कह रहे, क्योंकि आपकी मंशा ये है कि आप आने वाले समय में MSP व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे आपके पूंजीपति मित्रों को जो है फायदा होगा, और जो MSP से कम कीमत पे आपके जो पूंजीपति मित्र हैं वो अनाज किसानों से खरीदेंगे, उसको स्टोर करेंगे, इतनी मात्रा में स्टोरेज करेंगे, क्योंकि देखिए आज की डेट में देश में जो अनाज की अगर आप बात करें तो अनाज जो है
उसकी खपत कम है, पैदावार ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी स्टोरेज क्षमता बढ़ने वाली है और आप किसान से इजीली बार्गेन करेंगे और एमएसपी के नीचे उसे खरीदेंगे। तो किसानों की मांग तो बस इतनी सी है कि आप एमएसपी को गारंटी कर दी। अब मोदी जी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी आके संसद में कहते हैं कि एमएसपी कहीं गया नहीं है। सर मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया है तो आप मानेंगे? जब तक उसको चेक काट के मैं निश्चित रूप से एकदम आपको लिखित रूप से लीगल तरीके से नहीं देता तब तक आप नहीं मानेंगे। वही मांग तो किसान कर रहे हैं। आप इसको डालिए ना, आपके कहने से थोड़ी ना होता है, आप कानून में डालिए कि एमएसपी है और एमएसपी से नीचे खरीद फरोख्त पे ये कानूनन जुर्म होगा और उसके लिए सजा का प्रावधान बनाया जाएगा, तब हम मान जाएंगे किसानों की मांग। लेकिन आप देख रहे हैं उनको किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है मीडिया का दुरुपयोग करके, और उनको बेइज्जत करने का काम किया गया और किसान आंदोलन को पूरी तरीके से सामदंड भेद लगा के उसको कुचलने का काम किया गया। पहले तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कृषि बिल को अपने विधानसभा में पास कराया, फिर बाद में उसी कृषि बिल को विधानसभा में फाड़ दिया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं थी, लेकिन आप अगर ऐसा बता रहे हैं तो मैं आपको बात कहना चाहूँगा। बिल्कुल ये तो साहसिक व्यक्ति कर सकता है ना, इसी को तो कहते हैं साहसिक व्यक्ति, कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसको फिर से जो उस गलती को अगर मैं सुधारना चाहूँ तो उसके सुधारने का मौका मुझे होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी ऐसा किए हैं तो जनता को देखना चाहिए कि पहले उन्होंने अगर किसान के जो भी किसान के जो किसान बिल थे अगर उसका समर्थन किया तो किसी कारणवश समर्थन किया होगा, लेकिन जब उसको उन्होंने अच्छे से जाना, उसका अध्ययन किया और किसानों का विरोध उसके प्रति देखा तो उसको फाड़ के फेंक दिया, तो ये निश्चित रूप से किसानों का समर्थन जो है एक सराहनीय कदम है आम आदमी पार्टी का। इसको अगर फाड़ने की जगह इसमें कोई संशोधन किए होते, फाड़ना कौन सा, ये सल्यूशन तो नहीं हुआ, उसके जगह पे वो उसमें कुछ चेंजिंग किए होते, ये चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन उसी पहले बिल को पास कराना फिर बाद में उसी बिल को फाड़ देना, ये कुछ समझ में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को जिस प्रकार से व्यवहार करती है, आपको याद होगा वो दिन जब अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यालय पर सीबीआई ने छापा मारा था, बाद में कहा गया कि उनके एक अधिकारी की वजह से छापा मारा गया। तो देखिए फाड़ना ये संदेश जाता है कि हम विरोध करते हैं आपका और खड़े होकर विरोध करते हैं और बिल्कुल आपके सामने डट के खड़े हैं कि आप किसान बिल किसी भी तरीके से दमनकारी नीतियाँ आप लाना चाहेंगे हम आपको लाने नहीं देंगे, उसका हम विरोध करते हैं, डट के विरोध करते हैं कोई करे चाहे ना करे। और देखिए आम आदमी पार्टी इस समय पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है, तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, हम आपसे दबने वाले नहीं हैं, हमने ईमानदार राजनीति की है उसको हम दुनिया देश भर में जो है उन लोगों को बताना चाहते हैं, और जो भी आपकी दमनकारी नीतियाँ होंगी उसका हम खुल के विरोध करेंगे। तो ये फाड़ना उस विरोध का जो है सिम्बॉलिक एक तरीका था।